नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। लालकुआ नगर पंचायत ठेका सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था का काम बंद कर दिया है। दरअसल सफाई कर्मियों ने ठेकेदार पर मानदेय एरियर न देने का आरोप लगाया है। साथ ही नगर पंचायत सफाई कर्मियों ने सभी ठेका कर्मियों को संविदा में शामिल करने की मांग भी की है। हरिद्वार के सिडकुल स्थित फ्रांस कंपनी सुएज वाटर टेक्नोलॉजी ने आरएम सिडकुल श्री गणपति सिंह रावत की उपस्थिति में जिलाधिकारी सी रविशंकर को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, इंफ्रारेड थर्मामीटर गन, मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड सीएसआर के अंतर्गत प्रदान किए। इस मौके पर कंपनी के प्लांट हेड राजेश टामक ने बताया कि कंपनी सामाजिक दायित्व को हमेशा बढ़ावा देती आ रही है। जब से यहाँ पे कोरोना का जो चैलेंज रहा है, तब से इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से काफ़ी सपोर्ट्स लगातार हमें प्राप्त होता रहता है। अभी आज भी जो है सुएज कंपनी के ओर से और आसाही कंपनी के ओर से हमें जो है सिलेंडर्स काफ़ी मात्रा में दिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। और इसके अलावा जो है विभिन्न जो आइटम्स है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर्स है, थर्मल जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इस प्रकार का जो है मल्टीपल थिंग्स यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा कोरोना का लड़ाई में मददगार रहेगा। हमारी फ्रांस की कंपनी है स्वेज वाटर टेक्नोलॉजी। और सबसे पहले तो मैं डीएम साहब का और पूरे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जितनी सतर्कता और मजबूती के साथ वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हमारी कंपनी ने भी ये सहयोग करने का निश्चय किया और कुछ सिलेंडर्स और थर्मल स्कैनर, मास्क, ये सब सेफ्टी गियर्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए। और स्वेज कंपनी जो है इस तरह की सीएसआर एक्टिविटी रेगुलर करती रहती है और भविष्य में भी हम लोग पूरा साथ दे के रखेंगे ताकि ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। लगभग उन्होंने 25 सिलेंडर दिए हैं और 10 थर्मल स्कैनर दिए हैं, 350 के करीब हम लोगों ने फेस मास्क दिए हैं और 25 फेस शील्ड दिए हम लोगों ने। पौड़ी के सर्किट हाउस में स्थानीय विधायक मुकेश कोहली द्वारा बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को मास्क, दवाइयां, सैनिटाइजर, पीपी किट, ऑक्सीमीटर आदि समेत कई स्वास्थ्य संबंधित उपकरण और सामग्री वितरित की गई है। उन्होंने इन सामग्रियों को पौड़ी विधानसभा के जरूरतमंद प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के सभी संगठनों से मिलकर इन दवाइयों के वितरण में सहयोग करने के लिए कहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा रावत समेत बीजेपी युवा मोर्चा और नगर कार्यकारिणी के साथ सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। हमने परसों कुछ दवाइयां मंगाई हैं और अब इन दवाइयों को अब पूरी विधानसभा में हम लोगों को बेचने का काम है। इसके लिए हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, चाहे वो हमारा महिला मोर्चा हो, चाहे वो हमारा युवा मोर्चा हो, चाहे वो हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा हो, चाहे हमारी मेन बॉडी के सभी अध्यक्ष हो, इन सबको ये निर्देशित किया है कि जो सीएमएस है और जो सीएमओ है और जो हमारे ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, इन सबसे मिलकर इन दवाइयों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। और इसमें हम सभी प्रकार की, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर है, चाहे वो ऑक्सीजन का हम वो कॉन्सेंट्रेटर भी दे रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाने वाले हैं। एक और जहां आज पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी की चपेट में आए लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके लोगों के सगे संबंधी और जान पहचान वाले उनका शव का अंतिम संस्कार भी करने से घबरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग ये सब देखते हुए आगे आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर में प्रकाश में आया है, जहां एक हिंदू समाज की महिला की जान चली गई थी। उसके बाद कोई सगा संबंधी, कोई जान पहचान का महिला का अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जब सलेमपुर गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिली तो मुस्लिम समाज के लोग मृत महिला के शव के पास पहुंचे और पूरे हिंदू विधि विधान के साथ हिंदू समाज की मृत महिला के शव का अंतिम संस्कार मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। सौराय बेचारा गरीब आदमी था, अकेला था, पास में हमारे पड़ोस में किराए पे रहता था। ये हरदोए का रहने वाला है। इसकी रात बीवी का इंतकाल हो गया था, तो ये मदद के लिए हमारे मुस्लिम भाई के बीच में रहता था। तो सभी मुस्लिम भाई ने एकता करके इसका अंतिम संस्कार का प्रोग्राम रख के इसका मुर्दे घाट तक के लेके उसकी अर्थी को बंद दिया है। तो कैसा महसूस हो रहा है सभी लोगों को इस सभी मुस्लिम? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग नफरत की आग घोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम, यहाँ हरदोई के एक किराएदार रहते थे,
उनकी मिसिज का आज सुबह इंतकाल हुआ, जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भारतीयता की मिसाल है कि हम ऐसी माला है जिसमें हर तरह का फूल बोया जाता है, जबकि आज के टाइम में कुछ सामाजिक तत्व जो हम आपस में ना इत्तफाकी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज सारा का सारा ये काम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है। और अंतिम संस्कार तक, शुरू से लेकर अंतिम संस्कार तक ये काम हमने जो है बाखूबी अंजाम दिया है। और आगे भी अगर किसी तरह की इनकी कोई मदद होगी या इनसे अलग हटकर भी कोई किसी की मदद होगी तो वो की जाएगी। अक्सर विवादों में रहने वाली हजारा ग्रांट की राजकीय जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच का फरमान जारी कर दिया है। बता दें कि स्कूल की ये प्रधान अध्यापिका कभी स्कूल पर ताला डालकर छुट्टियां मनाने में मस्त हो जाया करती हैं, तो कभी स्कूल परिसर की चाबियां इधर उधर रहने से स्कूल परिसर में चोरियां तक हो जाती हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी स्कूल के बार बार इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी मौन बने हुए हैं, लेकिन इस बार मामला धोखाधड़ी को दर्शाते हुए स्कूल के अध्यक्ष द्वारा प्रधान अध्यापिका पर 8,000 रुपये के चेक से 80,000 रुपये का भुगतान करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब ये मामला जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पहुँच गया है। किसी अन्य के माध्यम से भी कोई कंप्लेंट मिली नहीं है, जैसे ही मुझे कंप्लेंट मिलेगी इसकी जांच कराएंगे। अभी इसका संज्ञान हमने लिया है, हमने शिक्षा अधिकारी से भी बात की है, इसकी जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। सरकार अभी कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं कर रही है कि अब नई बीमारी ने दस्तक दे दी है और लोगों में भय का माहौल बन गया है कि आखिर ब्लैक फंगस क्या है, इसको लेकर ये क्या बीमारी है और कौन लोग इसकी चपेट में आते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता आशीष प्रमोला ने खास बातचीत की कॉन्वेंशन अस्पताल के CMS डॉक्टर मनोज उप्रेती से। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पे लगातार बढ़ते गए, उसके बाद अब ब्लैक फंगस ने भी यहाँ दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस क्या है, इसको लेके हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज उप्रेती के, जो कि कॉर्नेशन में यहाँ पे CMS है। सर, जो ब्लैक फंगस ये आया है, क्या है ये बीमारी है? सबसे पहले ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि जो फंगस होता है ना उसकी वजह से होता है। और ये ब्लैक फंगस की जो ये बीमारी है ये दिखाई पड़ती है उन लोगों में जिनका कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ख़ास करके जिन लोगों को स्टेरॉयड दिया गया हो और साथ में जिनको डायबिटीज़ की परेशानी हो, तो ऐसे रोगियों में ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, ये बीमारी दिखाई पड़ रही है। अभी तक हमारे कोरोनेशन चिकित्सालय में तो इस तरह का कोई भी मरीज नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में और जगहों से प्लस अपने प्रदेश से कुछ मरीज़ दिखाई पड़े हैं जिनका कि इलाज अलग अलग बड़े अस्पतालों में चल रहा है। इसकी अगर दवाई की बात करी जाए तो दवाइयाँ पे पहले कोरोना की बात करी जाए, अब यहाँ ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे सरकार भी कह रही है पर्याप्त मात्रा में आ चुकी, तो क्या इसकी दवाई भी यहाँ पे भी बनाई गई है और किस तरीके से क्या है उसका प्रोसेस? जी हाँ, इसकी दवाई तो हमेशा से जो है थी अवेलेबल। इस समय जो है कोविड काल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दवाई की कुछ कमी दिखाई पड़ी थी, लेकिन आज जैसा कि सरकार बतला रही है कि इसकी दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन्स हैं जो कि सिर्फ भर्ती मरीज को ही लगाया जा सकता है, वो पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं। अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों को काफ़ी खतरा है, तो इस तरीके की आपके क्या जानकारी है कि जो अभी जो नवजात बच्चे हैं या कोई एज क्राइटेरिया बच्चों पर रखा गया है कि उनको इस बीमारी की चपेट में आने से बचाया जाए, या क्या लक्षण उनमें पाए जाएंगे या आएगी उन पर बीमारी या नहीं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में कहा जाता है कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनमें कोविड इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हल्के दिखाई पड़ते हैं, उनमें बहुत गंभीर बीमारी नहीं दिखाई पड़ती है। 12 साल से ऊपर मानते हैं कि बच्चों में गंभीर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो माँ बाप को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो ये मान के चलिए कि उनके बच्चों को भी कोविड इन्फेक्शन हो चुका है।
अब हमें इसका इंतज़ार नहीं करना है कि कोई तीसरी लहर आएगी जिसमें बच्चे इन्फेक्ट होंगे, ये इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। बच्चे इफेक्ट हो चुके हैं, हाँ ये है कि आज की तारीख में हमारे चिकित्सालय में बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सर एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है या क्या इसमें वो है कि जो तीसरी लहर है ये ज़्यादा घातक रहेगी, एक एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है कि बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए? देखिए ये तो सब कयास लगाए जा रहे हैं, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से आपने देखा कि दूसरी लहर काफ़ी घातक सिद्ध हुई है और आने वाली तीसरी लहर होगी जिसमें कि अपना स्वरूप बदल करके आएगा वायरस, तो वो इसी तरह से वो भी घातक हो सकती है। लेकिन यह है कि उसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं जिसमें कि खास करके बच्चों को फोकस किया जा रहा है कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में बेड्स जो हैं उपलब्ध हों, उनके लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज जो हैं उपलब्ध कर लिए जाएं, जिससे कि अगर किसी भी इस तरह की अनहोनी होती है आने वाले समय में तो उससे निपटा जा सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज उपरेती, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो तीसरी लहर आएगी लिए उसके यहाँ पे पूरी मुस्तैद है। यहाँ पे जो वार्ड है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों, सभी के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर चुकी है। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष नमोला। हरिद्वार में 10 दिनों से बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीन की डोज न आने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से बंद पड़ा था। 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी से तकरीबन 140 वैक्सीन सेंटरों पर ताला लटक गया था। हालांकि शनिवार को हरिद्वार में 15,000 वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिसके बाद तकरीबन 40 टीकाकरण सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। अभी हमारे पास 45 प्लस के आए थे, 15,000 डोज उसमें से चल रहे हैं, तो लगभग 11,000 प्लस अभी हैं हमारे पास डोज, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन साइट बढ़ें और लगाएं उसको, और 18 प्लस वाला जो वैक्सीन है वो हमारे पास कम है अभी, तो हो सकता है आज या कल में, अगर मैंने डिमांड भेज दिया है मिल जाएगी तो आगे भी चलेगी, नहीं तो फिर वैक्सीन की कमी पड़ेगी हमको। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, जैसे ही देहरादून में वैक्सीन आएगी हम लोग तत्काल मंगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराना चाह रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।